दिखाने वाली वाला फिल्म था ना एक, जो मैं कमिटमेंट करता हूँ तो फिर किसी की नहीं सुनता। तो वही बात है, कमिटमेंट अगर उन्होंने कर दिया, अगर उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम बिजली पहुँचा देंगे तो पहुँचा दिया, कमिटमेंट कर दिया कि हम रोड बना देंगे तो बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तमाम जितने राजनीतिक दल हैं वो सभी तैयारियों में जुट चुके हैं। एक तरफ जहां आरजेडी डिजिटल तकनीक का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रही है, वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी भी हर ज़िले में लोगों के साथ संवाद कर रही है। आज आखिरी दिन है संवाद का। अब तक कुल मिला के 24 अधिक ज़िलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के साथ सीधा संवाद किया है और आज 5 और ज़िलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के साथ संवाद करने वाले हैं और वादा कर रहे हैं लोगों से कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, इस पर जरा सुनिए। 24 मीटिंग टोटल था और 4 मीटिंग डेली था, ये छठा दिन है। और 4 मीटिंग जो वो किए तो आज नॉर्थ बिहार से शुरू किए थे और पश्चिमी चंपारण से, और अंतिम मीटिंग नवादा का है आज, जो शाम में 5 बजे है, 5 से 6:30, अब 7 बज जाता है। और एवरेज हमको लगता है ये हम लोग जो हमारे जिला के साथी हैं, जो प्रखंड के हैं और बूथ पर जो साथी हैं, तो वो अलग अलग, कभी 10 विधानसभा था, कभी 6 था, कभी 7 था, अलग जैसा प्रोफाइल था जिला का उसी हिसाब से बनाया गया था। और 5,000 से 6,000 जो हमारे वर्कर हैं वो एक मीटिंग में थे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास लिंक है, लेकिन हम लोगों ने देखा मीटिंग में बहुत सारे साथी कुर्सी लगा करके भी, टीवी लगा करके भी लोगों को बैठा करके दिखा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारे वर्करों के लिए था, और ख़ास करके मुख्यमंत्री जी ने जो अपना सारा बात रखा, वो अपने कार्यकाल का जो 15 साल के कार्यकाल का काम है उस पर लार्जली उन्होंने अपनी बात सारी रखी कि क्या काम उन्होंने इनिशिएट किया था, कहाँ से शुरू किया था इस बिहार में, कैसी परिस्थिति थी बिहार में। क्योंकि जो सोशल मीडिया में बच्चे भी मैं देख रहा था, या जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा वो तो 18 साल का होगा, तो जब वो पैदा हुआ उस समय तो वो सरकार हम लोगों की बनी उस समय 3-4 साल का होगा, वो तो देखा नहीं है कि नीतीश कुमार को कैसा राजपाट मिला था काम करने के लिए, वो कहाँ से शुरू किए थे। आज हम लोग डिजिटल की बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री 2005 नवंबर में बने तो एक कंप्यूटर सीएम ऑफिस में नहीं था, रेमिंगटन टाइपराइटर पर काम होता था। आप समझ सकते हैं कि बिहार में कहाँ से वो काम शुरू किए और क्या परिस्थिति बनी है उसके बाद। तो ये सारी बात लोगों के बीच में मुख्यमंत्री जी रखते हैं। ठीक बात है, संसाधन क्या है वो तो आपको खुद ही बताएंगे कि कितने संसाधन में किया है नहीं किया है। अचीवमेंट तो एक ही है कि नीतीश कुमार उनको उप मुख्यमंत्री बनाए, हाँ। और उसके बाद जो घटना घटी आपको पता ही है कि सीबीआई उनके घर में गया था, जो उनकी संपत्ति के बारे में डिटेल है कभी उसके बारे में तो नहीं बोलते हैं कि मॉल है कि नहीं है, मॉल मिला कैसे, कहाँ से आया, जो केस चल रहा है वो क्या है, सच है या झूठ है। तो मॉल जो मिला एक्सप्लेन करना चाहिए ना, कभी बोलते हैं क्या उस पर वो है कि नहीं है, वो कागज़ सही है कि गलत है। ये बात तो सही है, लेकिन जहाँ तक बिहार की जनता की बात है, बिहार की जनता 15 साल का जो मुख्यमंत्री का क्रेडेंशियल है, जो उसके चुनाव भी अगर जो होगा वो हम लोग डेवलपमेंट पर, और जो कल मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण था और अंतिम मीटिंग में उठते उठते बोली उन्होंने, तो अगले चुनाव का उन्होंने एजेंडा भी सेट किया। उन्होंने कहा कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर एक खेत को पानी देंगे, और आप लोग जानते हैं कि अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं तो सलमान खान वाली वाला फिल्म था ना एक, जो मैं कमिटमेंट करता हूं तो फिर किसी की नहीं सुनता। तो वही बात है, कमिटमेंट अगर उन्होंने कर दिया, अगर उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया, कमिटमेंट कर दिया कि हम रोड बना देंगे तो बना दिया। तो हमको नहीं, अब आप सबसे बड़ा सिग्नल आप ले सकते हैं, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो लास्ट इलेक्शन बिहार में वही हुआ,
वही एक बेस है, उसी पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पर भी चर्चाएं हो रही है, तो क्या लगता है कि इसमें भी कुछ बात है या मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं? क्योंकि एक दिन बिजेंद्र यादव जी ने भी कुछ चर्चा किया था, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि शराबबंदी को लेकर कई तरीके की बातें होती हैं, तो क्या पार्टी की और क्या निष्कर्ष क्या शराब? देखिए, ये सब बड़ा हिम्मत का डिसीजन है, ये नॉर्मल डिसीजन नहीं होता नॉर्मल पॉलिटिक्स का, और उस पर स्टैंड रखना। वो कोर्ट भी करता है कि कर्पूरी ठाकुर जी के समय में हुआ और वो ख़त्म हो गया, वो भी कोर्ट करता है। और जितना बड़ा समर्थन महिलाओं का इस ऊपर है, आप लोग भी सर्वे करके देख लीजिए, कहना आसान है कि वहाँ शराब मिल गया, यहाँ मिल गया। हाँ भाई, ओपन बॉर्डर है, ये प्रॉब्लम रहेगा, ये कोई दावा नहीं कर रहा है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लार्जली आप लोग भी जाते रहे, चुनाव में कवर करते रहे, आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि शराबबंदी के बाद गांव देहात में कैसी परिस्थिति बदली है, खास के महिलाओं के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और उन्होंने कहा है कि उनके रहते हुए इस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल जोश में है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट उनसे लाइव बात कर रहे हैं, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग बिल्कुल गेयरअप हैं उस पर भी। लेकिन इनका स्वभाव नहीं है ना भाई, मैं बताया कल भी वहाँ मीटिंग में, इनका स्वभाव तो पब्लिक के बीच में जाके काम करने का। तो आपने सुना, संजय झा ने साफ साफ कहा है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त वहीं पर मौजूद रहते हैं, वो भी लोगों तक संदेश देते हैं, डिजिटल तकनीक का उपयोग संजय झा ज़्यादा करते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। दबंग मूवी की भी चर्चा की, जिसमें सलमान खान कहा करते थे कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, उन सभी बातों की चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं सलमान खान जिस तरीके से कहा करते हैं और वो करा करते हैं, उसी तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब सलमान खान की तरह ही जो कहते हैं वो करते हैं, इसकी तुलना भी संजय झा ने कर दी है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, लोगों को उम्मीद है, सरकार आगे काम कर रही है, जदयू कार्यकर्ताओं में जोश है, इन सभी बातों का जिक्र संजय झा ने किया। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।